आज हम जानेंगे ग्रेट रिचार्ज पोर्टल के बारे में। आज मैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम कमीशन के बारे में बात करेंगे। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 4.5% मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा 4%, रिटेलर को मिलेगा 3%। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप देख पा रहे होंगे नीचे तीनों ऑप्शन दिख रहा है, होम, रिचार्ज, मोर। हम सबसे पहले होम तो दिख ही रहा है, रिचार्ज पे ओके करेंगे। रिचार्ज पे देख लीजिए आपकी पूरी सर्विस दिख रही है। उसके बाद मोर पे ओके करेंगे। मोर पे देख लीजिए आपका सारा ऑप्शन आ गया। सबसे पहले ऐड यूजर, आप कौन से लीड बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, या यूजर सेलेक्ट टाइप पे ओके करेंगे। यहाँ पे आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकते हैं, जो भी बनाना है आपको। उसके बाद यूजर आईडी में मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नेम में यूजर का नेम डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे यूजर का, उसके बाद यूजर का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी यूजर का, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कस्टमर के यूजर के मोबाइल नंबर और ईमेल पे पासवर्ड चला जाएगा। फिर आते हैं दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में शो करेगा। फिर आते हैं रिटेलर लिस्ट। रिटेलर लिस्ट में आपको जितने भी रिटेलर बनाए हैं आपने, रिटेलर लिस्ट में आपको शो करेगा। फिर आते हैं कमीशन के बारे में। कमीशन आप देख सकते हैं प्रीपेड में आपको कितना कमीशन मिलता है, डीटीएच में आप देख सकते हैं कितना कमीशन मिलता है। इसी तरह आपको सभी में आपका कमीशन दिखेगा। जो भी आप कमीशन देखना चाहते हैं उस पर ओके करके आप अपना कमीशन देख सकते हैं। फिर आता है बैंक डिटेल के बारे में। कंपनी का जो भी बैंक है आपको यहाँ पे सारे बैंक डिटेल दिखेंगे आप। उसके बाद आता है रिचार्ज ट्रांजेक्शन। आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे या आपके जो भी डाउनलोड ट्रांजेक्शन करेगा, इस पर आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे कि आपके डाउनलाइन या आपने कितने ट्रांजेक्शन किया है। फिर आते हैं डाउनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। आपके जो भी डाउनलाइन है आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप जिसका भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं उसको ओके करके सर्च कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे अकाउंट फील। यहाँ पे आपके डाउनलाइन या आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे एक दिन में या जितने भी आप चाहिए अपडेट सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। फिर आता है पेमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। इसमें आप जो भी आप कंपनी को पेमेंट लगाएंगे उसके बारे में, उसका आप रिक्वेस्ट पेमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें दो ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट, दूसरा दिख रहा है ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ आप चुनेंगे आपने किसके द्वारा पेमेंट लगाया है, वो आप चुने। उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करें, आपने किस बैंक में बैलेंस लगाया है। उसके बाद आपने अमाउंट चुने, आपने कितना पेमेंट लगाया है। उसके बाद इन पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आप डाल दीजिए ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे कि आरआरएन नंबर या यूटीआर नंबर, जो भी आप ट्रांजेक्शन की आईडी है। उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपका पेमेंट अपलोड होने के बाद आपके वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे आप अपलोड लिखा होगा, अपलोड होने के बाद आपका वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। फिर आप बैक हो जाइए। बैक के बाद यहाँ पे यूजर पेमेंट आता है। आपके जो भी डाउनलोड होंगे वो पेमेंट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करके आप उनको बैलेंस दे सकते हैं। फिर आता है बैक होने के बाद लॉग आउट का ऑप्शन, वो तो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद रिचार्ज पे आप ओके करके आप सारी सर्विस देख ही सकते हैं, पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सर्विस हैं, मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज, जो भी है आपको शो करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहें। आपको ये रिचार्ज पोर्टल आईडी लेना हो तो डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर लेना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। कांटेक्ट उन्हीं लोग करें जिन्हें रिचार्ज आईडी लेना हो, इसके साथ काम करना हो। टाइम पास के लिए कांटेक्ट मत करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। इससे ज्यादा अगर कुछ जानना है, पूछना है, समझना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। जो भी आपको जानना, पूछना है, समझना है, जान पूछ समझ सकते हैं। फिर आपको जमता है तो आप ये पोर्टल ले सकते हैं।